हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पिछले के वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए उन्हीं इफ और इल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके आज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और मैथ के एक स्पेशल चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसमें के सोल्यूशन यानी कि जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा एक प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और उसमें एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना होता है यानी कि उसका एक फॉर्मूला दिया होता है उसे हमें पता करना होता है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस है उससे ही पता किया जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एक प्रोग्राम के माध्यम से हम यही पता करेंगे कि इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस को पता करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल लिख रहे हैं जो कि हमारा सब वीडियो में कॉमन ही हो रहा है। एंटमैन। अब हम यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं, एक क्या हमें जितना भी वेरिएबल चाहिए हम लेते हैं नाम के साथ उनके, जैसे कि हमें सबसे पहले चाहिए सीपी, फिर एस पी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, इतना हमें वेरिएबल चाहिए। इन सबका यूज़ किया जाएगा प्रोग्राम में। तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि सी पी और एस पी पता होता है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना होता है। तो सबसे पहले हम यूज़र के माध्यम से ही सी पी और एस पी का मान ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंट ऑफ इंटर द सी पी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर अलग अलग कर दे रहे हैं, आप इसे चाहे तो एक में ही कर सकते हैं। स्कैन ऑफ परसेंट डी एड सॉफ सी पी, जो वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं वही वेरिएबल। फिर यहाँ पर प्रिंट ऑफ इंटर द एस पी सेलिंग प्राइस और यहाँ पर स्कैन ऑफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एस पी, यहाँ पर हमारा ये दो वैल्यू इंटर हो जाएगा इसमें सी पी और एस पी की जगह पर। तो अब हमें देखना होगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट का। मान लीजिए प्रॉफिट का हमें हुआ है, हमें प्रॉफिट का क्या होता है एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट हम ले लिए। अब हम यहाँ पर लेते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ हम यहाँ पर करते हैं इफ यानी कि पी जो हमारा प्रॉफिट होगा अगर वो हमारा बड़ा रहा जीरो से, तो यानी कि जीरो से बड़ा रहा यानी कि क्या प्लस वैल्यू रहा यानी कि जो भी हम ये माइनस करने के बाद पॉजिटिव नंबर आया तो हमारे यहाँ पर प्रिंट ऑफ हो प्रिंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंट डी एड्रेस ऑफ पी, ठीक है ये हमारा एड्रेस ऑफ पी। अब अगर मान लीजिए हमारा ये स्टेटमेंट यानी कि ये जो पी है ये इसका वैल्यू प्लस यानी पॉजिटिव नहीं हुआ नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर इल्स लिखते हैं। इल्स इसमें आपको पता ही है जैसे पिछली वीडियो में बताया था यहाँ पर कंडीशन नहीं देना होगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रिंट ऑफ लिखिए। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या होगा अगर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू परसेंट डी, या तो आप यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एड्रेस नहीं होगा हम गलती करते हैं यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर डायरेक्ट पी रहेगा, आप यहाँ पर लिखिए माइनस पी, तो क्या होगा यहाँ पर जो अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव वैल्यू रहता है तो यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पी को प्रिंट कीजिएगा तो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन हमें क्या है कभी भी लॉस नेगेटिव में नहीं जाएगा वो किसी ना किसी नंबर में रहेगा, कोई भी अमाउंट जो होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, माइनस टेन रुपीज़ माइनस सिक्स रुपीज़ ऐसे तो होता नहीं है, सिक्स रुपीज़ टेन रुपीज़ का लॉस हुआ है ऐसे लिखा देना है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, जो यहाँ से पहले पी जो माइनस में आएगा वो यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
और यहाँ पर रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम बंद। ठीक है, इतना हमारा प्रोग्राम हुआ प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ और भी कर सकते थे, यहाँ पर एक यानी कि इल्स के बाद एक लाइन और भी आप लिख सकते थे, लॉस इज इक्वल टू माइनस पी, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो माइनस पी होगा। तो इसको किस तरह से मैंने आप मैनेज कीजिएगा, मतलब किस तरह से इसका कैलकुलेशन हुआ मैथ के हिसाब से, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा यूज़र एसपी का वैल्यू 5 एंड सीपी का वैल्यू 10 रखता है, ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मूला के हिसाब से एसपी पी इज इक्वल टू 5 माइनस 10 होगा, तो हमारा क्या हुआ माइनस फाइव। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, इफ यानी कंडीशन लगाए हैं, यदि पी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसमें आएगा यानी कि प्रॉफिट प्रिंट करेगा, लेकिन हमारा क्या है पी का वैल्यू 0 से छोटा है, माइनस फाइव है, 0 से छोटा है, तो इल्स में आएगा। इल्स में आने के बाद प्रिंट ऑफ लॉस क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है माइनस कितने रुपए का, 5 रुपीज़ का, तो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पर प्रिंट करेंगे, लेकिन ये जो हम डायरेक्ट प्रिंट पी का जो वैल्यू है उसे ना प्रिंट करके माइनस पी को प्रिंट करेंगे, तो हमारा माइनस पी का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा, तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 5 रुपीज़ का। अगर मान लीजिए वहीं उल्टा रहता, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 रहता, तब क्या होता, यहाँ पर पी हो गया हमारा 10 माइनस 5, फिर हमारा पी डायरेक्ट 5 आ जाएगा, तो प्रॉफिट क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ा है, तो डायरेक्ट इसमें आएगा प्रॉफिट हमारा, ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये जितना भी रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, पी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपका कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट होगा और ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम प्रॉफिट निकालने के लिए। इसी तरह से आप लॉस भी निकालने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर जो एल लिख कर यानी कि जो भी लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी, तो आप उसका यूज़ करके आप इसी तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके आप भी निकाल सकते हैं, उसका भी लॉस निकाल सकते हैं, मैंने कोई भी लॉस निकाल सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम प्रोग्राम पर रन करा कर देख लेते हैं, डेस्कटॉप पर रन करा कर देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। और अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि कोई भी प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन वाला प्रोग्राम है तो आप उसे ज़रूर पूछिएगा, तो हम उसे बता सकते हैं। Shadow turns to sun rays, and on we'll go.